स्कूल में होगा आज हंगामा। उठिए ना, कितनी देर और सोएंगे? अगर आप नहीं उठे तो आज भी आप लेट हो जाएंगे। पता है, मैंने आपके लिए आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाया है, और वो भी आपका फेवरेट वेजिटेबल्स वाला टोस्ट और सैलेड। अब उठ जाइए ना, बस भी कीजिए, इतना सोना अच्छी बात नहीं है। अरे, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? सवाल बाद में कीजिएगा, पहले उठिए और ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। हम ऐसे गप्पे नहीं लड़ाते जैसे तुम लड़ा रहे हो। ये आप क्या कह रही हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ मैम, सुबह सुबह आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए ना। लगता है आज सुबह सुबह यशोदागर मैम की किसी से लड़ाई हो गई है। तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम मेरा और इशिजाका का मजाक उड़ाने वाला गेम बंद करो आप। हम तो सिर्फ खेल रहे थे मैम, ये आपको अचानक क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। हाँ योशिनागा मैम, आप तो ऐसे ही सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रही थी, ये ठीक बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई। हाँ, बात तो सही है। तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं और तुमने हमें अभी तक अपने घर भी नहीं बुलाया है, कैसी दोस्त हो तुम? मैं तो आप लोगों को अपने घर बुलाने की प्लानिंग कर ही रही थी, पर आजकल कुछ बिजी हूँ इसलिए वक्त ही नहीं मिल रहा। तुम प्लानिंग कुछ नहीं कर रही थी, तुम पैसे खर्च नहीं करना चाहती इसलिए तुम हमें अपने घर नहीं बुला रही हो। तुम आजकल ज्यादा बिजी नहीं हो गई? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है मैडम। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप हमें खाने पर घर क्यों नहीं बुलाती। क्योंकि सारा खाना आप अकेले ही खाना चाहती हैं ना? अरे कोई इतना खाना अकेले कैसे खा सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं गलत था। तो फिर आप हमें खाने पर क्यों नहीं बुलाती? हा? 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 सुनिए सुनिए सुनिए, आपको इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसके आसपास का माहौल बड़ा ही खुशनुमा और मजेदार लगने लगता है। मुझे भी आपकी शादी की खबर सुन के बहुत खुशी हुई है, यकीन मानिए। मुझे तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं लगती। सही कहा। शायद आप मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाई। प्रिंसिपल सर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और आपको? देखो, इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है। नई नई शादी के बाद आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इतने सालों के बाद भी मुझे आज वो दिन अच्छी तरह याद है। लगता है प्रिंसिपल से तो सपनों की दुनिया में खो गए। सपनों की नहीं, मैं सच्चाई की दुनिया की बात कर रहा हूँ शिनचैन। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। हम एक छोटे से कमरे में रहते थे और वहाँ पर कोई बाथरूम भी नहीं हुआ करता था। छोटा सा कमरा और बाथरूम भी नहीं था। क्या आप वो टाइम भूल गए जब हम हाथ पकड़कर साथ साथ चला करते थे? आप मेरी हर बात माना करते थे। उन दिनों सब कुछ कितना अच्छा लगता था, है ना? हाँ। अच्छा, अब हम कुछ देर बाद मिलेंगे, ओके? ये बेकार की कहानी तो बोर कर रही है, इसे बंद करो। अच्छा, बेकार है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हो, क्यों नैनी? हाँ मात्सुज़ाका मैम, मुझे तो लगता है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, है ना शिनचैन? ठीक है। वाह, हमारा नया घर और हमारा नया बाथरूम कितना अच्छा है। तुम्हें पसंद आया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। ये सब बंद करो। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, वो तो यूं ही किसी के बारे में बता रहे हैं। तुम बिना बात पर इन्हें गुस्सा कर रही हो। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। इसका मतलब आपको मेरी कहानी पसंद आई? मजाक है मजाक। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे बहुत जलन हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप शादी क्यों नहीं कर लेती, बोलिए। मैं तो करना चाहती हूँ पर मुझे कोई मिलता ही नहीं है, और तुम मुझे सलाह मत दो। सारे बच्चे जल्दी से अंदर चले जाओ, कोई भी उनके पास मत जाना। चलो चलो चलो। तुमने मुझसे ऐसा कहा कैसे कि मैं तुमसे जलस हूँ? ये मैडम लोग भी कितनी नादान है, हमेशा लड़ती रहती है।
शिनचैन, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आखिर वो हमारी टीचर हैं। मैं कहती हूँ अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ, बहुत देर हो गई तुम्हें। मैं घर आ गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आज तो आप ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए। दरअसल आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं घर जल्दी आ गया। सोच रहा था क्यों ना आज शाम को कहीं घूमने चले हम लोग। क्या आप बिल्कुल सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ मुझे तो लगता है कि मैं अपने स्कूल के बच्चों की कहानी का कैरेक्टर बन गई हूँ। पर ये बात तो पक्की है कि कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर किसी को भी नहीं बुलाने वाली।